तो आज वेव ऑप्टिक्स इस टॉपिक में से पोलराइजेशन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। पोलराइजेशन ये टॉपिक आपको आईआईटी मेन के लिए प्रिपेयर करना है और या फिर नीट या एम्स के एग्जाम के लिए। आईआईटी एडवांस के सिलेबस में पोलराइजेशन नहीं है। और पोलराइजेशन में थ्योरी के अलावा आपको दो लॉज पढ़ने होते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ और मैलस लॉ, और इन्हीं दो लॉज पर जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं AIEEE 2004 में पूछा हुआ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड रे इज टोटली पोलराइज्ड फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन इज। तो मैंने यहाँ एक फिगर दिखाया हुआ है, मान लो ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एन, और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस पर कोई ऑर्डिनरी लाइट यानी अनपोलराइज्ड लाइट आकर इंसिडेंट होती है। ये पी क्यू है इंसिडेंट रे, और ये जो मैंने दिखाया हुआ है इससे आप समझ गए होंगे कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये जो डॉट्स हैं या ये एरोज हैं ये ऑसिलेशंस की डायरेक्शंस बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस। डॉट मतलब बोर्ड से परपेंडिकुलर, और ये एरोज मतलब बोर्ड के प्लेन में, और ये दो डायरेक्शंस हैं। इसको यदि हम एक्स सपोज कर लें, बोर्ड से परपेंडिकुलर वाई, तो ये हो जाएगी जेड डायरेक्शन। तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस हो रहे हैं, और वो दो डायरेक्शंस भी वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक्स वाई जेड एक्सेस हैं। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। जितने डॉट्स हों उतने ही एरोज हों तो समझ जाना चाहिए कि वो अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये अनपोलराइज्ड लाइट आकर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस पर जब इंसिडेंट होगी तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यह है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैलस नाम के साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया कि जब कोई ऑर्डिनरी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस पर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है तो वह रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज होती है, मतलब उसमें डॉट्स का नंबर और एरोज का नंबर अनइक्वल होगा। यहाँ हमने दिखाया हुआ है कि तीन डॉट्स हैं और तीन एरोज हैं, और यदि वो पार्शियली पोलराइज्ड हुई होगी तो नंबर ऑफ एरोज और नंबर ऑफ डॉट्स सेम नहीं होंगे। तो ये बताया मैलस ने। उसके बाद कुछ सालों के बाद, दो चार साल के बाद, ब्रूस्टर नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि एक्सटेंट टू विच दिस लाइट इज पोलराइज्ड डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस अमाउंट से या किस एक्सटेंट से वो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होती है, और किसी स्पेसिफिक एंगल आई पी पर रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी हो जाती है, कंप्लीटली पोलराइज्ड, लीनियरली पोलराइज्ड हो जाती है। इसमें से एरोज सब हमको गायब दिख रहे हैं, केवल डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। डॉट्स बता रहे हैं वो ऑसिलेशंस बोर्ड से परपेंडिकुलर हो रहे हैं, बोर्ड के प्लेन वाले जो ऑसिलेशंस से वो स्टॉप हो गए, मतलब ये लाइट हो गई लीनियरली पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड। तब ये एंगल कहलाता है पोलराइजिंग एंगल। आई पी को कहते हैं पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल। और ये है ब्रूस्टर्स लॉ कि जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस पर एंगल आई पी पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, प्लेन पोलराइज्ड या लीनियरली पोलराइज्ड। और ये जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रेक्टेड रे के बीच, ये होता है 90 डिग्री। ये बताया ब्रूस्टर ने। तो ये है ब्रूस्टर्स लॉ। अब इसको आगे सॉल्व करें यदि स्नेल लॉ से, तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू, n क्या है, तो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। n इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई पी अपॉन साइन आर डैश। अब इस आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां लीनियर पेयर एक्जियम लगा देंगे, आर डैश प्लस 90 डिग्री प्लस आर इक्वल टू 180, और इसका मतलब R डैश इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस R। R डैश की वैल्यू है 90 माइनस R, यदि सब्सटीट्यूट करेंगे तो साइन आई पी अपॉन यहां क्या आएगा cos R, क्योंकि यहां हम पुट करेंगे R डैश इक्वल टू 90 माइनस R,
वो होगा कॉस आर, और ये दोनों एंगल्स तो बराबर होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, यानी उसे हम लिख सकते हैं कॉस आई पी। फाइनली हमें क्या मिला, टेन आई पी। तो म्यू इक्वल्स टू टेन आई पी, टेन आई पी, और इस लॉ को ही कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं कि जब कोई ऑर्डिनरी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस पर एंगल आई पी से इंसिडेंट होती है, जो इस मीडियम के लिए क्या होगा, पोलराइजिंग एंगल, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। तो आई पी इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स म्यू। तो देखते ही से आप ये टिक कर देंगे, या मैंने इसे एन लिखा है, ये भी एन है, इसे एन करना पड़ेगा। तो एन इक्वल टू टेन आई पी, आई पी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये लॉ कहलाता है ब्रूस्टर्स लॉ। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, AI ट्रिपल ई 2005 में पूछी हुई। When an unpolarized light of intensity I naught is incident on a polarizing sheet, the intensity of light which does not get transmitted is. ये प्रॉब्लम बेस्ड है मैलस लॉ पर। मैंने यहाँ दिखा रखी है अनपोलराइज्ड या ऑर्डिनरी लाइट, वेव प्रोपोगेशन हो रहा है जेड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से सिमेट्रिक हैं। तो या तो ये कन्वेंशन हम अडॉप्ट करते हैं अनपोलराइज लाइट को शो करने के लिए, या फिर डॉट और एरोज का कन्वेंशन। तो हम देख रहे हैं जितने डॉट्स हैं उतने ही एरोज हैं, मतलब ये लाइट अनपोलराइज लाइट है। जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन हो रहा है, और एक्स और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हो रहे हैं, और जो नंबर डॉट का है वही नंबर एरोज का है। ये इंटेंसिटी आई नॉट है अनपोलराइज लाइट की, जो क्वेश्चन में भी गिवन है। ये इक्वली शेयर्ड होती है दोनों डायरेक्शन में। मान लो ये डॉट है एक्स डायरेक्शन और ये एरोज हैं वाई डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शंस में ये इंटेंसिटी आधी आधी डिवाइडेड होती है। जब इस लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को किसी पोलराइजर से पास करते हैं, पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस है, तब क्या होगा, ये पोलराइजर केवल ये एरोज वाले जो ऑसिलेशंस हैं उन्हें ही पास होने देगा, और ये डॉट वाले जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब इधर जो हमको लाइट मिलेगी वो कैसी होगी, प्लेन पोलराइज्ड या लीनियरली पोलराइज्ड, और उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, मतलब आई नॉट बाय टू हो जाएगी। और अब इस लाइट को जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको किसी एनालाइजर से हम पास करेंगे, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी ये कितनी होती है, तो ये होती है आई नॉट बाय टू जो इसमें से पास हुई है, और ये है पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सेस, और ये है एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सेस। अभी इनके बीच एंगल कितना है, वो है जीरो। पर यदि एनालाइजर को इसके अबाउट, पोलराइजर के अबाउट यदि रोटेट करेंगे, और यदि एनालाइजर एंगल थीटा पर होगा, तब ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बाय टू इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। और इस लॉ को कहते हैं मैलस लॉ, मैलस लॉ। हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इसके बारे में पूछा गया था, क्या बोला था कि अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हुई जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, किस पर, किसी पोलराइजिंग शीट पर, तो वो इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट नहीं होती वो कितनी होगी, आई नॉट बाय टू। मिली कितनी है हमें, आई नॉट बाय टू, और जो ट्रांसमिट नहीं हुई वो है आई नॉट बाय टू, यानी इसका आंसर होगा डी। सो डी इज करेक्ट, और ये लॉ है मैलस लॉ। इस पर बेस्ड अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 2013 में पूछा हुआ। A beam of unpolarized light of intensity I naught is passed through a polaroid A. तो यह है मान लो polaroid A and through another polaroid B, जिसे हमने analyzer कहा था, which is oriented so that its principal plane makes an angle of 45 degree relative to that of A. The intensity of emergent light is. तो हमसे बात कर रहे हैं transmitted light की, हमको बताना है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो एनालाइजर से हमको मिलती है। तो हम जानते हैं वो होती है आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वेयर थीटा। इंसिडेंट किस इंटेंसिटी की लाइट हुई थी, आई नॉट की, जब वो ए से पास हुई तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई टू, क्योंकि वो होगी प्लेन पोलराइज लाइट। और जब आई नॉट बाई टू की लाइट किसी एनालाइजर से, पोलराइड बी से पास होगी, तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो बस सीधे हमको मैलस लॉ लगा देना है। बस गलती क्या होगी, हम यहाँ आई नॉट पुट ना करें, आई नॉट बाई टू इंटू कॉस स्क्वेयर, इन दोनों की ट्रांसमिशन एक्सेस के बीच
एंगल का कोसाइन लेकर उसकी स्क्वेयरिंग कर दी, यानी कॉस स्क्वायर 45, 1/√2 स्क्वेयर्ड, मतलब कितना हो जाएगा वो, I0/2 टाइम्स 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, तो आंसर आ गया हमारा I0/4, दिस इज द आंसर, पी इज करेक्ट। तो मैलस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखें। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, जेई मेन 2014 में पूछी हुई, टू बीम्स ए एंड बी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन आर सीन थ्रू अ पोलराइड फ्रॉम द पोजिशन वेन द बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड बीम बी जीरो इंटेंसिटी, अ रोटेशन ऑफ पोलराइड थ्रू 30 डिग्री मेक्स द टू बीम्स इक्वली ब्राइट, इफ द इनिशियल इंटेंसिटीज ऑफ टू बीम्स आर आई ए एंड आई बी रेस्पेक्टिवली देन आई ए अपॉन आई बी इक्वल्स। तो दो बीम्स हैं ए और बी, दोनों ही कैसी हैं, प्लेन पोलराइज्ड, और इनको जब किसी पोलोराइड से देखते हैं, उस पोलोराइड की ट्रांसमिशन एक्सेस, तब ए की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होगा बीम ए का वो इस ट्रांसमिशन एक्सेस से पैरेलल होगा, और बीम बी की इंटेंसिटी जीरो है, मतलब उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस ट्रांसमिशन एक्सेस से परपेंडिकुलर होगा, तब इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है बीम ए की और बीम बी की इंटेंसिटी जीरो है। अब इस पोलोराइड को 30 डिग्री से रोटेट करने पर, आगे बोला हुआ है इस पोलोराइड को जब हम 30 डिग्री से रोटेट कर देंगे, इस तरह से मान लो 30 डिग्री से इसे रोटेट कर दिया गया, तब हुआ क्या, हुआ ये कि दोनों की इंटेंसिटी सेम हो गई, इनिशियल इंटेंसिटीज उनकी कितनी है आई ए और आई बी, तो हम मैलस लॉ लगा देंगे, इंटेंसिटीज को बराबर कर देंगे, आई ए, अब ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तब आई ए कॉस स्क्वायर 30, और B के लिए ये B है, ये एंगल कितना होगा 60, तो उसे क्या लिख लेंगे आई बी कॉस स्क्वायर 60, और इसको बस हमको सॉल्व कर देना आई ए अपॉन आई बी, तो कॉस स्क्वायर 30 मतलब ये हो जाएगा 3/4 के बराबर, और इधर ये कितना होगा, तो ये होगा 1/4 के बराबर, ये 4 कैंसिल आउट होकर आई ए अपॉन आई बी ये कितना आ गया 1/3 के बराबर।